गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ छाया एंड आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्लास सिक्स्थ की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमने फर्स्ट चैप्टर प्रीवियस दो वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, आज हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज लेटिट्यूड्स एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स। लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्या दिया हुआ इस चैप्टर में देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट अवर प्लानिट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। हमने जो पहले वीडियोज़ में पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल नहीं है, मतलब वो गोल नहीं है, जैसे हम गोल बोलते हैं कि बिल्कुल गोल है। हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी इस तरीके से वो टिल्टेड है। ये पोल्स पे ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, इस पे ये क्या है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है, फ्लैट है, और ये अपनी धुरी पे अपनी एक्सिस पे थोड़ी झुकी हुई है इस तरीके से, है ना। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। और मिडल में क्या हुआ है, बीच में ये क्या है, थोड़ी सी उठी हुई है इस तरीके से, बीच में थोड़ी सी उठी हुई है, और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की साइड ये फ्लैट है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। जो हमने अपनी क्लास में हम देखते हैं, एक ग्लोब रखा रहता है, ग्लोब हमें दिखाया जाता है कि ये इस तरीके का हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, अर्थ का फॉर्म है, ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है हमारी क्लास में। ये हमें दिखाया जाता है कि ये हमारा ग्लोब है, हमने देखा हुआ है अपनी क्लास में, हमारे टीचर्स हमें दिखाते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, मतलब बिल्कुल गोल नहीं है। ये अपने पोल्स पर नॉर्थ, ये इसका नॉर्थ पोल हुआ और ये इसका साउथ पोल हुआ, इस पर क्या है, ये फ्लैट है, और बीच में उभरी हुई है, बीच में इस तरीके से उभरी हुई है, इस तरीके से हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। टेक ए बिग राउंड पोटैटो और अ वॉल पर्स अ नाइटिंग नीडल थ्रू इट, है ना। जिस तरीके से हम एक आलू लें या टमाटर लें, अगर इस तरीके से अगर हम इसमें इस तरीके से एक नीडल को डालें, ये नीडल है, कोई सुई है, इसको हम डालें और हम इसको इस तरीके से इसी पे घुमाएं, पकड़ के इस तरीके से अगर घुमाएं इसे इस तरीके से, तो हम बोलेंगे कि ये जो नीडल है इसकी एक्सिस हुई, और इस तरीके से इसका अपनी ही एक्सिस पे घूमना, मतलब अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे घूमना कहलाता है स्पिन। इस तरीके से हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, ये इसका नॉर्थ पोल हुआ, ये इसका साउथ पोल हुआ, और इसी की एक्सिस पे, इस एक्सिस पे ये घूमती है, इसको बोलते हैं स्पिन। यू कैन नाउ मूव द पोटैटो और द बॉल राउंड दिस एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। इस तरीके से हम घुमा सकते हैं। ग्लोब मे बी ऑफ वेरियंग साइज। ग्लोब जो रहते हैं, जो हमें दिखाए जाते हैं, वो छोटी साइज के हो सकते हैं, वो बड़ी साइज के हो सकते हैं, राइट। इस तरीके से हमारी अर्थ का एक स्ट्रक्चर रहता है। जो ग्लोब है वो एक स्मॉल साइज़ का, जैसे कि हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, जैसे बैलून के साइज़ का भी ग्लोब होता है, जो हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विथ इजी। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप पिन और अ वाटर व्हील इट रोटेट्स, राइट। जो हमारी अर्थ है इस तरीके से गोल, ये फिक्स नहीं है, ये क्या है, अपनी एक्सिस पर ये चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, इस तरीके से घूमती रहती है, उसे स्पिन बोलते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कंटिनेंट्स एंड ओशियंस आर सोन। और हमने देखा कि जो हमारा ग्लोब है उस पर कंट्रीज दिखती हैं, है ना, हमने देखा ना अभी, उस पर हमारी कंट्रीज दिखाई देती हैं, ये इस तरीके से कंटिनेंट्स इस पर दिखाई देते हैं, ये कंटिनेंट्स दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन कलर में, और ये ओशियंस दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे
ये ब्लू ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये ओशियन से ही कंटिनेंट से। तो ये हमारी पूरी पृथ्वी का स्ट्रक्चर हुआ। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। हम चाहते हैं कि अगर हम किसी भी प्लेस को अगर इस ग्लोब पर लोकेट करना चाहें तो वो किस तरीके से लोकेट करेंगे। इसके लिए हमें लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी करना पड़ेगा डिटेल में। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड एक्सिस। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा, एक्सिस क्या है, ये नीडल है, जो नीडल है ना इसी को एक्सिस बोलेंगे। ये नीडल तो जनरली जो हम अपनी अर्थ अर्थ पर देखेंगे तो वो एक नीडल नहीं है, नीडल नहीं है। जो हमने अभी पढ़ा समझने के लिए, नीडल के थ्रू हमने समझा कि नीडल के जैसे हमारा जो ग्लोब है, अर्थ है, उसमें एक इमेजनरी लाइन हम बोल सकते हैं जिस पे हमारी अर्थ है ना वो रोटेट करती है, जिस पे हमारी अर्थ रोटेट करती है उसी को हम बोलते हैं एक्सिस, है ना, उसी को हम बोलते हैं एक्सिस। और एक इसमें होता है नॉर्थ पोल होता है एंड साउथ पोल होता है। जैसे ये इसका नॉर्थ पोल हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ एंड ये साउथ पोल हुआ, इसके दो पोल रहते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारा ग्लोब है ना वो ये वेस्ट से, इधर से ये वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हुआ, इस तरीके से हमारा ग्लोब मूव करता है, इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से हमारा ग्लोब मूव करता है जस्ट एज द अर्थ मूव्स। बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस द रियल अर्थ रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। रियल अर्थ में जो ये नीडल नहीं रहती है, ये ग्लोब जो हमने पढ़ा यहाँ एक स्ट्रक्चर सा गोल सा रखा रहता है, जो अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए वो हमने एक इमेजनरी बनाया हुआ है, जबकि जो रियल अर्थ रहती है उसमें नीडल नहीं रहती है। जो हमने अभी देखा, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन। जो जो नीडल थी, नीडल हमने समझने के लिए ली जिस तरीके से कि हम अपने अर्थ को कैसे समझ सकते हैं। जो एक्सेस है वो एक इमेजनरी लाइन है, वो एक कोई कोई लाइन नहीं बनी हुई, जबकि इसे हमने समझने के लिए लिया हुआ है कि इस तरीके से हमारी अर्थ रोटेट करती है। अनोदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इन टू इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, ये इस तरीके से जो हमारा ग्लोब है, ए इसका नॉर्थ पोल हुआ, नॉर्थ पोल हुआ एंड ए इसका साउथ पोल हुआ, ये तो इसकी एक्सिस हुई, एक्सिस है। और जबकि दूसरी अगर इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, जो कि इसको नॉर्थ एंड साउथ पार्ट में डिवाइड करे, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। जो इसके बीच से जाए, बीच से अगर इसे काटे तो इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। तो ये क्या, जो जो इक्वेटर के नॉर्थ वाला पार्ट है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, इतना इतना पार्ट, इसे हम बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर। एंड जो इक्वेटर से साउथ पोल वाला पार्ट है, इसे हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर। जो हमने में भी पढ़ा, सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर, इसे बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर एंड इसे बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, जो कि इक्वल हैं। देयरफॉर इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ, राइट। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ पर किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और क्या है, हम इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। ये हमारी क्या हुई, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमने अभी देखा जो इक्वल हाफ्स। ये थोड़ा टिल्टेड है ये डायग्राम, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, जबकि ये अगर वैसे देखेंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, अब जो इक्वेटर है, इक्वेटर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, इस तरीके से और सर्कल्स रहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर की साइड एंड इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर की साइड। तो इन्हें हम बोलते हैं लेटीट्यूड्स,
पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स, ये इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स। जैसे कि 20 डिग्री नॉर्थ हुआ, 40 डिग्री नॉर्थ हुआ, ये 60 डिग्री नॉर्थ हुआ, एंड 80 डिग्री नॉर्थ हुआ, ये नॉर्दर्न पोल। इसी तरीके से साउथ में भी 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, एंड 60 डिग्री साउथ, एंड 80 डिग्री साउथ, राइट। इस तरीके से रहते हैं। इन्हें बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड। लेटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, जो लेटिट्यूड्स रहते हैं वो डिग्री में मेजर किए जाते हैं। जैसे कि 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ, हमने अभी देखा। उसी तरीके से द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लेटिट्यूड्स। इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है, इक्वेटर है ना जो वो है वो 0 डिग्री पे है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री। दस 90 डिग्रीज नॉर्थ लेटिट्यूड्स मार्क्स द नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ लेटिट्यूड मार्क्स है द साउथ पोल। जो हम और जो पोल रहते हैं ना वो 90 डिग्री पर रहते हैं, पोल रहते हैं वो 90 डिग्री पर रहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर जो पोल है ना, ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री, इसे हम नॉर्थ बोलेंगे, इसे नॉर्थ पोल। इसी तरीके से इधर पे जो साउथ है वो साउथ भी 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री साउथ पे है, राइट। ये दिया हुआ है यहाँ पे। ये दिया हुआ है पे। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटिट्यूड्स। हमने देखा कि जो नॉर्थ साइड जो पैरेलल्स हैं वो उन्हें नॉर्थ लेटिट्यूड्स बोलेंगे। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटिट्यूड्स, राइट। जो साउथ में है सदर्न हेमिस्फीयर के लेटिट्यूड्स हैं उन्हें साउथ लेटिट्यूड्स बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ ईच लेटिट्यूड इज देयर फोर फॉलोड बाय आइदर वर्ड नॉर्थ एंड साउथ। इसी वजह से हम क्या करते हैं, साउथ में जाते हैं तो हम 20 डिग्री साउथ लिखेंगे, और नॉर्थ में जाएंगे तो इसी तरीके से 20 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, है ना। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन एंड एस। जो हमने देखा नॉर्थ एंड साउथ को हम एन और एस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र एंड बिलो हॉरिजोंटे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लेटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो महाराष्ट्र है हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र का जो चंद्रापुर एरिया है इंडिया में, वो 20 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड, 20 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है, और जबकि इधर 20 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है जो चंद्रापुर एरिया है, और जो ब्राज़ील में अगर देखेंगे, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे करके है, वो 20 डिग्री साउथ में है। ये यहाँ पे 20 डिग्री साउथ में है, साउथ अफ्रीका का एरिया, राइट। और ये है 20 डिग्री नॉर्थ इंडिया में। तो मतलब ये है कि इनकी लोकेशन है 20 डिग्री पर, लेकिन ये है 20 डिग्री साउथ पर, ये है 20 डिग्री नॉर्थ पर। इस तरीके से हम लोकेट करते हैं। बी देयर फोर से दैट चंद्रापुर इज सिचुएटेड एट चंद्रापुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लेटिट्यूड, राइट। हम कह सकते हैं बी सी इन फिगर 2.2, वो हमने देखा दैट एज बी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड डिक्रीज। हमने देखा कि इस तरीके से जो पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स हैं, ये तो इक्वेटर हुआ, इक्वेटर 0 डिग्री पे हुआ। इस तरीके से जो नॉर्थ लेटिट्यूड्स हैं एंड साउथ लेटिट्यूड्स हैं, अब क्या है, इनकी साइज़ जो है ना, ये साइज़ घटती जा रही है, ये छोटे होते जा रहे हैं। यही यहाँ पर बोला गया है कि जैसे जैसे हम पोल साइड को मूव करेंगे, इनकी साइज़ छोटी होती चली जाती है, राइट। बाय मीजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लेटिट्यूड ऑफ योर पोल, राइट, योर प्लेस। इस तरीके से हम अपने जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का हम लेटिट्यूड और एंगल देख सकते हैं। ये यहाँ पर बोला गया है जी। अब यहाँ पे हम समझेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लेटिट्यूड्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि ये है हमारा इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ है, 0 डिग्री पे है।
इक्वेटर 0 डिग्री पे है, और जो दूसरा जो नॉर्थ लैटिट्यूड से एक इम्पोर्टेंट, इससे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ इसमें, ये है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे। और देन दूसरा फिर लैटिट्यूड होगा वो है आर्कटिक सर्कल, जो कि है 66 1/2 नॉर्थ पे, जिसे आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और ये यहाँ पर 90 डिग्री पे हमारा, 90 डिग्री नॉर्थ पे हुआ हमारा नॉर्थ पोल। इसी तरीके से हम साउथ लैटिट्यूड्स देखेंगे तो ये है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि 23 1/2 डिग्री साउथ पे, साउथ साउथ पे है जो। और इसके दूसरा जो इसका लैटिट्यूड है वो है अंटार्कटिक सर्कल, जो कि है 66 1/2 डिग्री साउथ पे, और जो सदर्न पोल है वो हमारा 90 डिग्री साउथ पे है। इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि हमें आगे जब हम स्टडी करेंगे तो आगे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लैटिट्यूड्स, ये हम यहाँ पर दिया गया है। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, हमारा जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री नॉर्थ पे, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 1/2 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये हमने अभी देखा यहाँ पे समझा, ये पूरा यहाँ पे समझाया गया है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसे यहाँ पे। और ये आर्कटिक सर्कल हुआ 66 1/2 नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल हुआ 66 1/2 साउथ पे, साउथ ऑफ द इक्वेटर। द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हम कुछ यहाँ पर हीट अर्थ की हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कौन सी रहती हैं, टॉरिड जोन कौन सी रहती हैं, तो टॉरिड जोन ये है टॉरिड जोन, ये वाला एरिया। द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज कॉल्ड टॉरिड जोन। यहाँ पे कह रहता है मोस्टली साल में कम से कम एक बार तो यहाँ पे जो सन रहता है, सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इस वजह से क्या रहता है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा हीटेड रहता है, इसलिए इसे टॉरिड जोन बोलते हैं, राइट। और जबकि द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल, ये वाला एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल वाला, इसे बोलते हैं हम नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड रहता है कंपैरिजन टू टॉरिड जोन, ये कोल्ड रहता है। और जो इसी तरीके से जो एरिया सदर्न हेमिस्फीयर में है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला एरिया, इसे बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, इन्हें बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये कंपैरिजन में यहाँ पे जो सन की रेज पड़ती हैं वो एक यहाँ पे छोटा एंगल बनाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे सीधी नहीं पड़ पाती, तो यहाँ पे हीट रहती है वो टॉरिड जोन की बजाय कम रहती है, ये एरिया थोड़ा ठंडा रहता है। और जो इस तरीके से आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल का जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन की रेज हैं वो मोस्टली पहुँचती ही नहीं है, पहुँचती है ना के बराबर, बहुत कम पहुँचती हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, ये ठंडी ही बनी रहती है ऑल ओवर ईयर, ऐसे बोलते हैं फ्रिजिड जोन। इसीलिए अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल के बीच में फ्रिजिड जोन रहती है, राइट। इस तरीके से जो हमारे ग्लोब है, ग्लोब को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, टॉरिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, राइट, ये हमने समझा, ये लिखा हुआ है, ये टॉरिड जोन रहती है। द मिड डे सन नेवर शाइंस ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल, एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, जिन्हें हमने यहाँ पर समझा, जिन्हें हम बोलते हैं टेम्परेट जोन है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द अंटार्क सर्किल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव द मॉडरेट टेम्परेचर्स, दीज आर देयर फॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। ये टेम्परेट जोन हमने देखा डायग्राम के थ्रू, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, इट इज़ बिकॉज दे आर द सन डज नॉट राइज मच अबाउट अबोव द
हॉरिजन, देयर फोर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लेंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, दीज आर देयर फोर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। ये हमने तीन जोन देखी, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन एंड टॉरिड जोन, राइट। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं कि जो सन की रेज हैं जब वो इस पे यहाँ सर्कल बनाया गया है, अगर यहाँ पे यह सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा जाएगी, और अगर ये तिरछी हो जाएगी जिस तरीके से टेम्परेट जोन में फ्रिजिड जोन में है, तो यहाँ पे सन की रेज बहुत कम पड़ेंगी, यहाँ पे समझाया गया है। अब हम अभी हमने लेटिट्यूड्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या रहते हैं, ए लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं, अभी तो हमने देखा था कि ये इक्वेटर है, ये लेटी हुई है, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, लेकिन ये अर्थ में कुछ इस तरीके से भी इमेज इमेजनरी लाइंस रहती हैं, इस तरीके से ये दी हुई है, इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं, जो अर्थ को ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है, जैसे ये यहाँ से अगर देखा जाए ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये क्या करता है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये है जैसे कि ये यहाँ पर क्या हुआ 90 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, 120 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, 60 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड 30 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से 30 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 60 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला दिखाता है लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये इस तरीके से। तो ये हुआ वर्टिकली जो रहते हैं इमेजनरी लाइन, इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। टू फिक्स द, अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं, क्यों, क्योंकि हमें अगर किसी एक प्लेस की लोकेशन जाननी है ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पॉइंट्स का समझना ज़रूरी रहता है कि वर्टिकली वो किस पोजीशन पे है और हॉरिजॉन्टली किस पोजीशन पे है। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लेटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल द टोंगा आइसलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटिट्यूड। अब क्या है, कोई भी प्लेस है वो सेम लेटिट्यूड्स पे हो सकता है, जैसे कि 20 डिग्री साउथ पे यहाँ पे दो प्लेस दिए हुए, टोंगा आइसलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड, लेकिन हमें इनकी स्पेसिफिक लोकेशन जाननी है। दोनों 20 डिग्री साउथ लेटिट्यूड्स पर तो हैं, लेकिन हम इसको एक पर्टिकुलर दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे, तो उसको जानने के लिए हमें एक फिक्स लोकेशन जानने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, मतलब अगर हम अच्छे से उन्हें लोकेट करना चाहते हैं तो हमें लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत रहती है। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन इन रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, राइट। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और जो भी ये लाइनें बनी रहती हैं, ये हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये सारे दिखते हैं ये खरबूजे की जैसे बॉल जैसे ये बने रहते हैं ना लाइनें, इन्हें बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इन लाइन्स को बोलते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री, जिस तरीके से हम लेटिट्यूड्स में इनका डिस्टेंस डिग्री में मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम इनका डिस्टेंस भी डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे कि 30 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री वेस्ट हमने अभी देखा। ईस्ट डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स, और क्या है जो डिग्री है, डिग्री से फिर मिनट्स में इसे डिवाइड किया हुआ, मिनट्स इंटू सेकेंड्स में, जैसे हम बोल सकते हैं 20 डिग्री वेस्ट एंड 30 मिनट वेस्ट एंड 15 सेकेंड वेस्ट, इस तरीके से लिखा जाता है इसे, इस तरीके से, राइट। किसी प्लेस को दे आर सेमी सर्कल, ये क्या है, एक सेमी सर्कल टाइप के हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देन डिक्रीजेस स्टडीली टूवर्ड्स द अंटिल इट बिकम्स 0 एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। हमने यहाँ पर देखा जैसे जैसे हम पोल साइड जाएंगे तो इनका डिस्टेंस कम होता जाता है, ये देख रहे हैं ना हम,
जैसे हम पोल की साइड मूव कर रहे हैं, तो ये आपस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वहाँ जाके मिल गए हूँ। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे हम पोल साइड जाएंगे तो इनके बीच का, मेरिडियंस के बीच का डिफरेंस है ना, ये डिक्रीज होता जाता है, ये यहाँ पर बोला गया है। जबकि क्या रहते हैं, जो जो लेटिट्यूड्स रहते हैं, लेटिट्यूड्स के आपस का जो डिफरेंस रहता है ना, वो कम नहीं होता। इनकी लेंथ कम होती जाती है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है ये कभी कम नहीं होता, जैसे जैसे अपन पोल साइड की जाएंगे। जबकि लॉन्गिट्यूड में इनका डिफरेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट दैट द काउंट शुड बी बिगेन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू द ग्रीनविच। तो हमारा जो टाइम लिया गया है वो ग्रीनविच से लिया गया। ग्रीनविच एक इंग्लैंड में प्लेस है जहाँ से लिया गया है। एक डिसाइड किया गया है कि अगर हमें पूरी दुनिया में एक जैसा समय लेना है, तो हम उसके लिए एक, हमें एक इमेजनरी लाइन चाहिए, जो कि हमने एक इमेजनरी लाइन ली है ग्रीनविच से। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, राइट, जो कि जिसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन हम डायग्राम में देखते हैं, ये हुई हमारी प्राइम मेरिडियन, ये हुई हमारी प्राइम मेरिडियन, ये ग्रीनविच से होके निकलती है ये, राइट। तो अभी इस चैप्टर में हम ये वाला डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टाइम निकालना देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।